हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपना लेसन नंबर 6 के रासायनिक अभिक्रिया वाला कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो है लेसन, उसका नाम वो है लेसन नंबर 5, अम्ल क्षार व लवण। अब ध्यान से समझो अम्ल क्षार व लवण के बारे में। तो देखिए अम्लों के बारे में हमारे जो देसी विज्ञान है जिसको आयुर्वेद कहते हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया हुआ है कि अम्ल ये होते हैं, क्षार ये होते हैं। फिर उसके अलावा जो मेडिकल साइंस है इसने भी ज़्यादा इसके ऊपर जोर दिया है अम्ल व क्षार के बारे में। ठीक है, इन्होंने इसमें अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग प्रकार की थीसिस दी है। ठीक है, अपने अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए। तो अब अपन बात करते हैं कि अम्ल होते क्या है। तो देखिए जनरल चीज, अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, खट्टे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। दूसरा लिटमस पेपर, एक होता है लिटमस पेपर, मतलब कि एक लिटमस निकलता है जो लाइकेन नाम का एक जीव होता है। ठीक है, उससे लिटमस बनाया जाता है और उस लिटमस को एक पेपर पर लगा दिया जाता है जिसे कहते हैं लिटमस पेपर। तो ये क्या करते हैं अम्ल, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तीसरा अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन, जो जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करते हैं। अभी समझाऊंगा पूरा डिटेल से कैसे। जो जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करते हैं, ठीक है, उसे हम अम्ल कहते हैं। अब फिर देखिए क्षार, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, तो स्वाद क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार, तो क्या करते हैं बताओ, वेरी गुड। तो क्षार जो होते हैं यह है लाल लिटमस को, यह लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नीले में। यानी कि इसमें आप लाल लिटमस पेपर डुबोगे तो वो नीला हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, नीले को डुबोगे तो लाल होगा। अब ये भी कंफ्यूजन उठ रहा होगा कि सर वो हमारे पास जो विलयन दिया हुआ है, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा वो नीला है लाल। तो जैसे कि कोई विलयन दिया हुआ है, ऐसा पूछते भी है क्वेश्चन, तो कोई अज्ञात विलयन आपको दिया हुआ है, अब आपको बताया कि भाई इसको ये अम्ल या क्षार, तो आप चक के नहीं देख सकते, क्योंकि क्या पता कोई खतर, कोई डेंजरियस अम्ल हो तो हमारी जीभ पर भी मुंह पर भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे। तो लिटमस पेपर में क्या करते हैं कि जो सबसे पहले उसमें हम लाल लिटमस डुबोएंगे, अगर वो अम्ल हुआ तो लाल का लाल ही रहेगा। फिर क्या करेंगे हम उसमें नीला लिटमस डुबोएंगे, नीला लाल हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या है, अम्ल है। और अगर हमने उसमें लाल लिटमस डुबोया तो वो किस में हो जाएगा, नीले में। ठीक है, तीसरा कहता है कि यह क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन मतलब जल में डालने पर, जलीय विलयन में OH- आयन त्यागते हैं। ठीक है, OH- आयन का त्याग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, तो ये जनरल बातें हैं अम्ल और क्षार के बारे में, एकदम जनरली। और इसके अलावा इनका जो साबुनी टेस्ट होता है, साबुनी जैसे, यानी कि क्षार जो होते हैं हाथ लगाते हैं तो साबुनी जैसे सोप होता है ना, वैसा इसका टच होता है। ठीक है, बस एक ये चीजें है, ये अंतर भी हो गए और अम्ल क्षार के बारे में जनरल बातें भी हो गई। इसके अलावा इनके बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे, इनकी अभिक्रिया वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, इसके इसके एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, जिससे हमें अम्ल क्षार के बारे में
डिटेल में नॉलेज हो जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे अमलों के नाम दिए हुए हैं, ये आपको स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में रखने हैं क्योंकि यह एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। तो देखिए कुछ ऐसे पदार्थ जिसमें कुछ अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, जैसे देखिए उन पदार्थों के नाम देखो क्या क्या है, जैसे नींबू, नींबू, संतरा, इमली, नींबू संतरा इमली, इसके अलावा अमाश्य या जठर रस भी लिख सकते हो, जठर रस, इसके अलावा चींटी का डंक, चींटी का डंक। तो देखिए सबसे पहले है नींबू, नींबू के अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में एस्कोर्बिक अम्ल, इमली में कौन सा पाया जाता है बताओ, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में कौन सा पाया जाता है अमाश्य में, स्टोमक में, जठर रस में कौन सा पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। किसी में नहीं होता है, ये तो ऐसे ही जनरल पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर, इनको बनाए जाते हैं तो होता किसी में नहीं है। फॉस्फोरिक अम्ल देखो वैसे तो एक जनरली जो होते हैं पहाड़ों में, खदानों में, इनमें ऐसे पाए जाते हैं, वैसे हमारे शरीर में नहीं होता है। फॉर्मिक अम्ल इसका सूत्र होता है HCHO, नहीं नहीं गलत है, HCOOH, ये है फॉर्मिक अम्ल। तो ये इनमें से कई पूछा हुआ भी है, ये पूछा हुआ है एक बार चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और इमली इनमें से भी शायद पूछा हुआ है, संतरे में या नींबू में, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। तो उतार लिया ये, आगे का देखते हैं, फिर आगे का देखो, ये नोट्स वगैरह है उसमें है सारा का सारा। फिर उसके बाद में देखिए एक आता है लवण, हमने अम्ल व क्षार के बारे में देख लिया, ठीक है, नेक्स्ट लवण। लवण क्या होता है, लवण वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल व क्षार की पारस्परिक क्रिया से बनते हैं, ठीक है ना, अम्ल व क्षार की पारस्परिक क्रिया से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक है। जैसे अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या बनता है, लवण प्लस जल, और ऐसी एक अभिक्रिया लेसन 6 रासायनिक अभिक्रिया में भी आई थी, उसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है कि जिसमें अम्ल व क्षार आपस में मिलकर के, ठीक है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर अम्ल व क्षार आपस में मिलकर के लवण व जल बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, कोई भी एक एग्जाम्पल, वैसे मैंने जब उदासीनीकरण करवाया था तो 8-10 एग्जाम्पल दिए थे, कोई भी एक जनरल एग्जाम्पल यही ज्यादातर काम में आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, बताओ क्या बनेगा, वेरी गुड। तो देखो यह प्लस है ना, इस माइनस के साथ क्रिया करेगा, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस
एच और ओ एच, वाटर जल, तो क्या बनेगा? जल। हमें और ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक समझाने की क्रिया है कि लवण क्या होता है। तो ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है? लवण। ये क्या है? लवण है। तो लवण वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की पारस्परिक क्रिया से मिलकर बने होते हैं, उसे हम कहते हैं लवण। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब एक है क्रिस्टलन जल। एक शब्द और आता है इसमें बुक के अंदर, क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल देखिए क्या होता है। क्रिस्टलन जल का मतलब क्या होता है बताओ? क्या होता है क्रिस्टलन जल? सुबह ही बताया था। देखिए कि किसी लवण के, कई देखे होंगे ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें नमी होती है, ठीक है ना, तो उनके साथ जल के अणु अटैच होते हैं, उसे कहते हैं क्रिस्टलन जल। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है जैसे कि धावन सोडा, धावन सोडा, धावन सोडे का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। अब देखो किसी अणु के इकाई सूत्र में या इकाई लवण में उपस्थित, किसी इकाई लवण में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? उसका क्रिस्टलन जल कहलाती है। क्या कहलाती है? वो क्रिस्टलन जल कहलाती है। अब बताओ इसका क्रिस्टलन जल कितना है? 10। इसका क्रिस्टलन जल है 10। और देखो उदाहरण, जिप्सम। देखो जिप्सम का यूज किया जाता है सीमेंट फैक्ट्री में, जो सीमेंट आती है ना, अलग अलग प्रकार की सीमेंट वगैरह आती है, बढ़िया क्वालिटी घटिया क्वालिटी की, ये जिप्सम पर ही डिपेंड करती है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 5H2O, 2H2O। इसका क्रिस्टलन जल कितना है? 2। इसी प्रकार से जिप्सम हो गया, धावन सोडा हो गया, जिप्सम हो गया, इसके अलावा एल्लम ले लो, फिटकड़ी, ठीक है, फिटकड़ी का रासायनिक सूत्र बताओ, K2SO4 Al2 = SO4 3 24 H2O। तो देखिए K2SO4 Al2 SO4 324 H2O। हाँ भाई खुशी, इसकी क्रिस्टलन जल कितना होगा? इसका 24, क्योंकि इसके साथ 24 अणु जल के जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी उदाहरण, किताब में एक या दो ही है, मैंने आपको कई दे दिए हैं। इसके अलावा ले लो आप नीला थोथा, नीला थोथा CuSO4 5H2O, नीला थोते का 5H2O। तो बोलो इसका क्रिस्टलन जल कितना होगा? 5। इसका क्रिस्टलन जल होगा 5। तो इसे कहते हैं क्रिस्टलन जल। फिर आगे देखिए, लवण हो गया, क्रिस्टलन जल भी हो गया। अब स्टूडेंट आगे देखिए फिर बाकी का, आगे देखते अपन कि अम्लों के बारे में, फिर उसके बाद में अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट की जनरल बातें तो बता दी कि अम्ल ये होते हैं, क्षार ये होते हैं, लवण ये होते हैं, ठीक है, लवण से तो हमें कोई मतलब नहीं है, लवण तो सीधी सी बात है, अम्ल क्षार होंगे तो लवण भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अम्ल व क्षार के बारे में होगी। फिर उसके बाद में हुआ ये कि अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसके बाद में क्या है, धीरे धीरे कुछ इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप होने लगे थे, और उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर अपनी अलग अलग थीसिस दी, और उन्होंने फिर डिटेल स्टडी की अम्ल और क्षार के ऊपर। तो उन्हीं साइंटिस्ट की अपन बात करेंगे। दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि
अम्ल और क्षार के बारे में आपके तीन साइंटिस्ट की स्टडी दी हुई है, आरेनियस, ब्रोंस्टेड, लोरी और लुइस। ठीक है, आरेनियस, ब्रोंस्टेड, लोरी और लुइस। लुइस थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेस पर है। तो इनके कंसेप्ट अलग अलग है, तरीका अलग अलग है बताने का, लेकिन चीज एक ही है। लास्ट में जाकर के बात एक ही बनेगी, तो ये ध्यान रखना इनके कंसेप्ट अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले है आरेनियस का सिद्धांत। अम्ल व क्षार में सबसे पहला है आरेनियस का सिद्धांत। आरेनियस का सिद्धांत, आरेनियस का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, आरेनियस का सिद्धांत कहता है, अम्ल व क्षार के बारे में आरेनियस ने जो सिद्धांत दिया था सबसे पहले, वह बताता है कि अम्ल क्या होते हैं। तो देखिए, अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करते हैं। H+ आयन को आप प्रोटॉन भी कह सकते हो। ठीक है, तो यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में यानी कि जल में क्या करते हैं, H+ आयन का त्याग करते हैं। उसे हम कहते हैं अम्ल। तो देखिए, अम्ल यानी कि जल में H+ आयन का त्याग करते हैं। अब कुछ अम्लों के बारे में आप लोग देखो, दिख रहा है क्या यहां से? मतलब ये बीच में आ रहा है ना। तो अम्लों के बारे में आप देखो, जैसे सबसे पहले है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या करेगा, जलीय जलीय विलयन, यहां आप लिख सकते हो जलीय, तो क्या बनाएगा, या यहां पर एक क्यू भी लिख सकते हो, एक ही बात है, या तो ये लिख दो या ये लिख दो। ठीक है, तो क्या बनाएगा, H+ और Cl-। ठीक है, इसी प्रकार से और देखो, नाइट्रिक अम्ल HNO3। HNO3 किस में टूटेगा बोलो, इसमें भी जलीय लिख देना, बोलो HNO3। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाँ NO3 पर माइनस, सल्फ्यूरिक अम्ल इधर लिख देता हूं मैं। इसके अलावा देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या बनाएगा बोलो, 2H प्लस और सल्फेट माइनस 2। ठीक है, तो 2 इसलिए लगा क्योंकि ये इसकी ऑक्सीकरण अंक एवं संयोजकता को दर्शाता है। ठीक है, ये नाइन्थ क्लास में था जब आपको रेडिकल पढ़ाया था, मुल्लक। मुल्लक में देखते हैं आप, मुल्लक के कई प्रकार होते हैं जिसके अंदर बहुपरमाणविक प्रकार का जो मुल्लक है ना, उसमें देखना था आपको द्विसंयोजी, बहुपरमाणविक द्विसंयोजी के अंदर आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑफ टाइम रहे, और टाइम पूछ लेना, मैं डिटेल से बता दूंगा। ये हो गया। इसके अलावा एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक अम्ल, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। तो ये किस में टूटेगा, हाइड्रोजन प्लस CH3COO, एसिटिक अम्ल में ये इस तरीके से टूट जाएगा। कार्बोनिक अम्ल ले लो H2CO3, ये है कार्बोनिक, ये एक क्यू लगा देना इस पर, एक क्यू यानी एक्वेटिक यानी जलीय, या फिर यहां पर जलीय लिख दो, एक ही बात है। तो देखिए क्या बनेगा, H+ और HCO3, H+ HCO3-। ठीक है, तो इस प्रकार से हर कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि अम्ल जो होते हैं उनको जल में डाला गया, और जल में डाले जाने के बाद में ये क्या करते हैं, क्या किसका त्याग कर रहे हैं, H+ आयन का त्याग कर रहे हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से है अपने जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग कर रहे हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? अब आपने एक चीज देखी होगी यहां पर कि सल्फ्यूरिक अम्ल में भी दो हाइड्रोजन और कार्बोनिक अम्ल में भी दो हाइड्रोजन, ये चीज देखी होगी। तो लेकिन इसमें से यहां तो दोनों ही हाइड्रोजन निकलते हैं और यहां पर कम निकल रहा है हाइड्रोजन, निकल रहा है ना, केवल एक ही निकल रहा है। तो इसी उदाहरण को अपन आगे समझेंगे, देखिए कैसे, अभी मैं बताता हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए आगे
क्या है कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं। आरेनियस ने अपने सिद्धांत में बताया कि कुछ अम्ल तो ऐसे भी होते हैं, देखते होंगे हम खाते भी हैं, जैसे टमाटर भी खाते हैं, नींबू भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं कि अगर हाथ लग जाए तो स्किन जल जाती है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है, ये स्किन को भी जला देते हैं। तो कहने का मतलब है ऐसा अंतर क्यों, इस बेस पर दो प्रकार के अम्ल होते हैं। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरा है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रबल अम्ल के उदाहरण, देख लो पहले प्रबल अम्ल कौन कौन से है, ये याद रखना जरूरी है, इनको स्पेशली याद कर लेना स्टूडेंट, कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के उदाहरण। प्रबल अम्ल के है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर HNO3 नाइट्रिक अम्ल, या आपके भाण के साथ वेट ही बोले, हाँ दोनों भाणा है, HNO3, ठीक है, देखो इधर नाइट्रिक अम्ल, इसके अलावा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। दुर्बल अम्ल के उदाहरण देखो, एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल, इसके अलावा कार्बोनिक अम्ल H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। तो अब देखिए स्टूडेंट्स आगे कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ध्यान से समझो। प्रबल अम्ल वो होते हैं जिसका जलीय विलयन में पूर्णतया से आयनन हो जाता है, जिनका जलीय विलयन में पूर्णतया से आयनन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक, ये आप पहले उदाहरण में देख चुके हो। जैसे ये एक तो लिखा हुआ ये यहाँ देखो, तो इसमें देखो पूरी तरीके से इसका आयनन हो गया, अब बाकी कुछ भी नहीं बचा, पूरा प्लस और पूरा माइनस आपस में टूट गया ना, ठीक है। अब देखिए आगे फिर इधर दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल वो होते हैं जिसका जलीय विलयन में पूर्णतया से आयनन नहीं हो पाता, ठीक है ना, जिसका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन नहीं हो पाता, उसे हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। जैसे उदाहरण देखो कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, निकलना चाहिए दोनों हाइड्रोजन लेकिन एक ही निकला है, ठीक है, तो इसका पूर्णतया से आयनन नहीं हो पाया। एसिटिक अम्ल का भी देखो, बाकी भी तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन ये बचे हुए हैं, ठीक है, तो इसका भी पूर्णतया से आयनन नहीं हो पाया, इसलिए इनको दुर्बल अम्ल की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो दुर्बल अम्ल, जैसे साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ये भी किस में आते हैं, दुर्बल अम्ल में ही आते हैं। स्पेशली आपके कोर्स में प्रबल अम्ल के ये तीन उदाहरण ही दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब आगे देखो, यहां तक कोई दिक्कत, फिर उसके बाद में क्षार, फिर आगे देखिए क्षार के बारे में बताता हूं। आरेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्षार क्या होता है, नेक्स्ट है क्षार, क्षार क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में किसका त्याग करते हैं, किसका करते हैं, OH माइनस आयन का, ठीक है, जो जल में OH माइनस आयन का त्याग करते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन का त्याग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब उदाहरण देखो, सोडियम, यहां से दिख नहीं रहा होगा शायद वीडियो में, तो इधर बना देता हूं मैं थोड़ा सा, यहां से ठीक है। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, जलीय विलयन में सोडियम प्लस और हाइड्रोक्साइड माइनस, ठीक है। इसी प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी क्या होगा, ये जलीय, यानी कि के प्लस और OH माइनस, ठीक है। इसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बोलो भाई क्या बनेगा, हाँ बताओ, NH4 प्लस और OH माइनस, बस OH ही निकालना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, CaOH का होल ट्वाइस, जलीय विलयन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, यहाँ पर मैंने डैश कर दिया जलीय विलयन के लिए, तो क्या बनेगा, Ca प्लस टू और टू OH माइनस, क्लियर। इसके अलावा और ले लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, एग्जाम्पल तो बोलोगे उतने दे दूंगा, ये भी जलीय विलयन है, तो क्या बनेगा बताओ, क्या टूटेगा इसका, प्लस टू OH माइनस, वेरी गुड। तो ये बनेगा मैग्नीशियम प्लस टू प्लस टू OH माइनस, ठीक है। तो ये सब कंडीशन के अंदर आपने देखा कि ये क्या करते हैं, जलीय विलयन के अंदर किसका त्याग करते हैं, OH माइनस आयन का त्याग करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कि क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, फिर RHBS ने यहां तक देखो आपने देखा होगा सब प्लस और माइनस में डिवाइड हो रहे हैं। अब आगे देखो, इसने बोला कि क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल क्षार, एक तो है प्रबल क्षार और दूसरा है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार के उदाहरण देखो, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और दुर्बल क्षार के उदाहरण क्या होंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बहुत है इतने करने के लिए। तो कौन कौन से हो जाएंगे इसके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, पहले इसके बारे में वापस आऊंगा, एक बार एक चीज ये ध्यान रखना कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, MgOH2, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मैग्नीशियम का दूध भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और इसका उपयोग एक पुष्टिरोधी के रूप में किया जाता है, यानी कि जैसे किसी के पेट में गैस हो जाए, ठीक है, या फिर खाना पीना हजम नहीं हो, तो एक पुष्टिरोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिसको एंटासिड कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, एंटासिड। यह मार्केट के अंदर आता है, एंटासिड के नाम से पूछा जाता है, आप एंटासिड के रूप में ला सकते हो, ठीक है। पेट से संबंधित काफी, जैसे पेट दर्द होना, बदहजमी, जो भी प्रकार की प्रॉब्लम है उसमें, यानी पेट की अम्लता बढ़ना, ठीक है, एसिडिटी कैसी होती है, जब पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि हमारे आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा यदि हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक एसिड है, और उससे क्या बनती है, एसिडिटी, और उसी एसिड को शांत कौन करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड। तो कौन सी अभिक्रिया हुई है, कौन सी हुई है अभिक्रिया, उदासीनीकरण नहीं हुई क्या भाई, अम्ल और क्षार, तो क्या हुआ, उदासीनीकरण, तो उसको उदासीन कर देता है। तो देखिए, चलो प्रबल क्षार, प्रबल क्षार क्या होते हैं, यानी कि ऐसे क्षार जिसका जलीय विलयन में पूर्णतया से पूर्णतया आयनन हो जाता है, ठीक है, जिसका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। अब देखिए दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार क्या होते हैं, यानी कि वे पदार्थ
जिसका पूर्ण रूप से आयनन नहीं हो पाता, जलीय विलयन में पूर्णतया आयनन नहीं हो पाता, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। इनके उदाहरण भी ध्यान रखना, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के इनके उदाहरण निम्न है। तो ये चीज आप उतार लो, फिर आगे का देखते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, आरेनियस का सिद्धांत की कमियां। आरेनियस का सिद्धांत ठीक अच्छा था, मतलब ठीक तरीके से उसने डिफाइन किया था एसिड और बेस को, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी, कुछ सीमाएं हैं। कि आरेनियस ने जो बताया अम्ल व क्षार की, कि भाई जलीय विलयन में एच प्लस का आयन त्याग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अम्ल। और जो OH का त्याग करते हैं? क्षार। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसमें H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन पाए नहीं जाते, लेकिन वह अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या दर्शाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सारे के सारे क्या है? अम्लीय व क्षारीय व्यवहार कैसे दर्शाते हैं? इनमें तो हाइड्रोजन आयन और OH आयन है ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को आरेनियस का सिद्धांत नहीं समझा सका। आगे आएगा, नेक्स्ट है आरेनियस का, हो गया। नेक्स्ट है ब्रॉन्स्टेंट लोरी का सिद्धांत। ब्रॉन्स्टेंट लोरी का सिद्धांत, ब्रॉन्स्टेंट लोरी का सिद्धांत। ब्रॉन्स्टेंट लोरी ने क्या कहा, ये देखिए। इसने बताया कि अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, ठीक है ना, यानी प्रोटॉन का त्याग करते हैं, यानी कि अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में किसका त्याग करते हैं? प्रोटोन का। बात तो एक ही हुई, उसने बताया एच प्लस, और एच प्लस भी तो प्रोटोन ही होता है, तो बात वही है। कान चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे यूं करके घुमा के पकड़ो, पकड़े जाएंगे कान ही, और वैसे ही बात चाहे है। इसकी थ्योरी अलग अलग होगी लेकिन मतलब एक ही निकलेगा। फिर देखिए क्षार, क्षार क्या होते हैं? क्षार वो होते हैं जो प्रोटोन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्लियर? उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। इसके बाद में मैं आपको बाकी का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स।